सब्सक्राइब कीजिए पीके ट्यूब उर्दू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद उमैर, आप देख रहे हैं पीके ट्यूब उर्दू। फ्रेंड, तकरीबन 2-3 दिन पहले से रिक्वेस्ट की जा रही थी फ्रेंड की तरफ से कि हम किस तरह अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को विदाउट पिन के वेरीफाई करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको पता ये चीज ट्रेंडिंग में है क्योंकि लोग ऐप बना रहे हैं और तमाम के साथ ये मसला आ रहा है कि वो अपनी अगर उनको पिन रिसीव नहीं होती है तो वो किस तरह अपने अकाउंट को विदाउट पिन वेरीफाई करवा सकते हैं। फ्रेंड, बहुत ही सिंपल मेथड है, हर एक बंदा इसको कर सकता है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के जेहन में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास उर्दू का आईडी कार्ड होता है, हमारा जो शिनाख्ती कार्ड है वो उर्दू में बना होता है। आजकल तो इंग्लिश में बनना शुरू हो गए हैं लेकिन पहले उर्दू में है। तो आप सोचते हैं कि मैं या छोटा, मेरी उम्र एज कम है, तो मेरे पापा का है, पापा का उर्दू में है, मैं किस तरह उर्दू के साथ वेरीफाई होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, किस तरह होगा, थोड़ी आज इसके बारे में बात होगी और आपको इसके बारे में बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। तो तकरीबन मैंने भी 14-15 अकाउंट वेरीफाई किए हुए हैं, मुझे पता है क्या करना होता है, किस क्या क्या किस तरह करते हैं। फ्रेंड, पहली बात तो यह है कि जो उर्दू का कार्ड होता है वो वहां पे एक्सेप्ट हो जाता है। आप चाहे इंग्लिश में नाम लिखें या उर्दू में नाम लिखें, आप अपना आईडी कार्ड उर्दू वाला सेंड करते हैं तो आपका वेरीफाई हो जाएगा तकरीबन 10-15 मिनट में, उसमें आपको देर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम इंग्लिश में है, मैं उर्दू वाला लिख सेंड कर दूं तो वेरीफाई नहीं होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है वेरीफाई, करके देखा हुआ है, टेस्टेड है, इसलिए ही आपको बताया जा रहा है। तो अगर आपको पिन नहीं रिसीव होती, पाकिस्तान में कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे एरियाज हैं कि जहां पे पिन रिसीव नहीं होती है, हमारे यहाँ तो होती है लेकिन काफी ऐसे लोग हैं, मेरा मानना है कि हर जगह पे हो जाती है जहां पे डाकखाने की जो सहूलत है वो मैसर हो, लेकिन कुछ ऐसे बाज इलाकात हैं जहां पे नहीं है, तो वो कैसा पिन को वेरीफाई करेंगे, उनके पास तो पिन पहुंचेगी नहीं, तो फिर वो किस तरह अपने आईडी कार्ड के जरिए वेरीफाई करवाएंगे, किस तरह पिन के बगैर वेरीफाई करवाएंगे, टोटली आज इसके बारे में बात होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और इंफॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो यहाँ मैं आपको यहाँ पिन लिखनी होती है, अगर आपके पास पिन रिसीव नहीं होती है तो आपने क्या करना होता है, जस्ट आपने इस यहाँ पे क्लिक करना है दिस फोरम, कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट रिसीव योर पिन विद इन 4 वीक्स ऑफ दिस डेट, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको 4 हफ्तों तक पिन रिसीव नहीं होती है प्लीज़ कंप्लीट दिस फॉरम। तो कह रहे हैं इस फॉर्म को फिल करिए, अटैच अ डिजिटल इमेज ऑफ गवर्नमेंट इशू आई डी कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ टेलीफोन बिल डिस्प्ले, योर पे नेम एंड बिलिंग एड्रेस। कह रहे हैं अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड है तो वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, अगर कोई बैंक की तरफ से आपको रसीद मिलती है, स्टेटमेंट मिलती है, यानी कि जब हम अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ से वो यहाँ पे कर दिए, टेलीफोन या कोई भी बिल अपना घर का यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, इट पी योर चैनल, इट अपीयर इन योर अकाउंट, जो कि आपका अकाउंट में दिखाया गया है, एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन दी। हाँ, वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सपोर्टेड लैंग्वेज, हम कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, तो आप देख पढ़ लीजिएगा। मैंने करके देखा था, मेरे पास तो उर्दू का में किया हुआ है, इंग्लिश में नाम लिख के उर्दू का आईडी कार्ड लिख के सेंड किया तभी वेरीफाई हो गया था, और उर्दू में नाम लिख के उर्दू का आईडी कार्ड लिख सेंड किया था तब भी वेरीफाई हो गया था। तो जस्ट आपने फ्रेंड यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही फ्रेंड आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पिन। तो फ्रेंड यहाँ पर अपना आपका जो नंबर नाम है वो आपने यहाँ पर टाइप करना है, जो भी आपका नाम जो आप लिखना चाहते हैं, जो आईडी कार्ड पे याद रखिए, आईडी कार्ड पे सेम ना लिखिएगा, जो आपके आईडी कार्ड पे है वो आपने सेम नाम लिख दिया, यहाँ पे लिख देना है पूरा नाम, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो लिख देना है। अगर आप वो वाला यूज़ नहीं करते हैं तो आप कोई पर्सनली ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं तो आपने वो यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद रही बात योर पब्लिशर एडसेंस पब्लिशर आईडी की, हमारे पब्लिशर की आईडी क्या है, तो फ्रेंड उसके लिए आपने ऐसा करना है कि ब्राउज़र में चले जाना है। मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा youtube.com, आपने youtube.com निकाल लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे कर देना है /account। चलिए मैं यहाँ पे youtube.com/account निकाल लेता हूँ। उसके बाद व्यू एडिशनल फीचर में आपने क्लिक कर देना है, आपके सामने फ्रेंड इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से व्यू मोनेटाइजेशन सेटिंग में आपने चले जाना है, जाने के बाद फ्रेंड आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड उसके बाद आपने यहाँ से एसोसिएटेड एडसेंस अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है,
क्लिक करते हैं फ्रेंड आपकी जो देखें एडसेंस की पब्लिशर आईडी यहाँ पे शो हो रही है। जस्ट आपने इसको कॉपी करना है, आते फ्रेंड आपने यहाँ पे अपने जो पब्लिशर आईडी है जो हमने कॉपी की है यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपने क्लिक करके अपने जो फाइल है उसको चूज़ कर लेना है, जो अपने आईडी कार्ड को सेंड करना है यहाँ पे क्लिक करके चूज़ करके उसको सबमिट कर दीजिएगा। आपका अकाउंट 10-15 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन इसका ये मसला ये है कि अगर ये 10-15 मिनट वेरीफाई नहीं होता है तो फिर टाइम इनका 48 घंटे का होता है कि 48 घंटों में ये आपको वेरीफाई करेंगे, ठीक है, उसके अंदर अंदर आपको वेरीफाई करते हैं। लेकिन मैंने खुद आजमा के देखा है कि 10-15 मिनट में ये कर देते हैं। तो याद रखें यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, पब्लिशर आईडी, उसके बाद यहाँ से आपने क्लिक करके अपनी फाइल चूज़ कर लेनी है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट कर लीजिएगा ताकि आपको मैं पूरी इसके बारे में गाइड कर सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। और फ्रेंड ये भी उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।